मिली है साथ निभाना साथिया की लवी के असली ससुराल से। मिली है लवी के असली साथिया से। कैसी है लवी सासन की शादी के बाद जिंदगी, कैसा है उनका ससुराल गेंदा फूल, कैसे एक पंजाबी लड़की एक साउथ इंडियन फैमिली में रच बस गई है, कैसा है सास बहु का रिश्ता, कैसे लवी के ससुर जी उसे बेटी की तरह रखते हैं और कैसे ससुराल में उसे मिल गया है देवर के रूप में एक भाई। सास बहु बेटियां पहुंच गया है भारत की आईटी नगरी बैंगलोर में, जो दरअसल है लवी सासन का ससुराल। जम्मू कश्मीर की रहने वाली लवी की शादी हो गई है बैंगलोर के कृष्णमूर्ति परिवार में और शादी के बाद लवी बस गई हैं अपनी फैमिली के साथ बैंगलोर में। नमस्कार, मोस्ट वेलकम इन माय ससुराल, आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, पैदा वहाँ हुई हूँ, लेकिन मेरा जो ससुराल है वो बेंगलोर का है। अब मैं बेंगलोर की बहू बन चुकी हूँ, सो प्लीज़ मोस्ट वेलकम इन माय हाउस एंड मीट माय फैमिली। सास बहू बेटिया, आज आपको लवी के नई फैमिली से मिलाएगा, दिखाएगा कि कैसी है लवी की ससुराल, कैसे पंजाबी लड़की अपने नए घर में एडजस्ट हो रही है, कैसे लवी का पति कौशिक उसका ख्याल रखता है, कैसी है कौशिक और लवी की लव स्टोरी, कैसे एक नॉर्थ इंडियन लड़की साउथ इंडियन फैमिली में एडजस्ट करती है। भाई ये सब जानने के लिए आज लवी के साथ करेंगे हम ससुराल वाला डे आउट। हमारे ससुराल में जो घर के बॉस हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, नमस्ते, देन माय मदर इन लॉ, नमस्ते अम्मा, देन माय हबी कौशिक, हेलो, देन माय ब्रदर सुदांशु, देवर जी, या शादी के बाद लवी बैंगलोर में अपने पति कौशिक और अपने सास ससुर और देवर के साथ इस घर में बस गई है। लवी के ससुराल वाले यानी कृष्णमूर्ति फैमिली एक दक्षिण भारतीय फैमिली है, लेकिन लवी ने इस घर में देखिए कैसे एडजस्ट कर लिया है। It's been more than 4 months. I don't feel like it's a new family for me, new people for me. Like, they love me so much. They love me more than Kaushik. That's the best part somewhere. And मैं बहुत ही जल्दी घर में adjust हो गई. Like, मुझे कभी ऐसा feel ही नहीं हुआ कि मैं बाहर से आई हूँ और वो मेरे लिए new है या मैं उनके लिए new हूँ. They are very chill out. So I'm blessed to have such family and my husband. सबसे पहले मिलते हैं लवी के पतिदेव कृष्णमूर्ति से, जो दरअसल एक बिजनेसमैन है। पिछले साल इन्होंने दिसंबर में अमृतसर में शादी की और हाल ही में बैंगलोर में इनकी एक बार फिर से साउथ इंडियन स्टाइल में शादी हुई। मैं मिलाने जा रही हूँ आपको मेरे पति से, मेरे साथिया से और मेरे जिगर के टुकड़े से।
बोले कौशिक सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुलाकात कैसे हुई और कैसे आप ये टू स्टेट्स बन गए. आई थिंक इट्स योर इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन. नो सर, एज गॉड हैज अ डेस्टिनी, आई बिलीव दैट. नाउ एवरीबॉडी यूज्ड टू से दैट देयर इज अ प्लान फॉर यू, but after I met Lovey and after things worked out, I definitely believe that there is a plan made by God and it's destiny. And we met through my sister, who was a common friend for Lovey. Her name is Preeti, and we met and it was just like a spark, and you know it when you see it. I knew it, she will be my wife. मैं कौशिक को हमेशा कहती हूँ कि यू आर ब्लेसिंग ऑफ माई मदर. मेरी मदर बहुत ही प्योर हार्ट पर्सन है और वो बहुत ही ज़्यादा पाठ पूजा करती हैं, तो मैं हमेशा कौशिक को ये कंसिडर करती हूँ और हमेशा बोलती हूँ कि समवेयर यू आर अ ब्लेसिंग ऑफ माई मदर और आई एम ब्लेस्ड टू हैव कौशिक एंड हिज इंटायर फैमिली. लाइक आई थिंक पूरी दुनिया की सबसे लकीस्ट गर्ल मैं ही हूँ जिसे इतना अच्छा, मैं ससुराल वर्ड बोलूँगी ही नहीं. मैं व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस स्टोरी, मैंने एंट्रेंस में जब बोला ससुराल, मुझे एक्चुअली नहीं बोलना था, मुझे ये बोलना था कि प्लीज़ वेलकम टू माय हाउस, क्योंकि आई डोंट फील लाइक दैट टिपिकल ससुराल वर्ड. इट्स लाइक मोर देन माय फादर एंड मदर, माय इन लॉज, दे आर पैम्परिंग मी, दे आर लविंग मी, दे आर वेरी सपोर्टिव. द मिनट आई गॉट मैसेज फ्रॉम यू एंड फ्रॉम AR मिसेस इंडिया कि यू हैव टू जज और अगर आप फ्री हैं तो आ जाइए, दैट टाइम मी एंड कौशिक वी बोथ वर इन कुर्ग, सो आई वॉज लाइक हमारा प्लान था आगे हम ऊटी जाएंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे न्यू प्लेसेस बिकॉज आई हैव नेवर बीन देयर. देन आई कॉल्ड माई मदर इन लॉ एंड आई टोल्ड द इंटायर थिंग, अम्मा ऐसे कॉल आया है, ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है, और मेरा मन है कि ऊटी जाना है मुझे. शी इज़ लाइक यू कैन गो ऊटी एनी टाइम, ये अपॉर्चुनिटी और ये टाइम विल नेवर कम बैक. AR मिसेस इंडिया वापस नहीं होगा बेंगलोर में, ऊटी यहीं रहेगा, ऊटी तुम कभी भी जा सकती हो. तो शी इज़ दी वन हु लिटरली फोर्स मी टू गो एंड बी अ जज ऑन दैट प्लेटफॉर्म. सो थैंक्स टू हर, दे आर वेरी सपोर्टिव. It was not looks. Basically, I've met a lot of people and I've been exposed to a lot of different cultures, a lot of different people. The one basic thing was somewhere which I wanted in my partner was humility. And when I met her, I could see that in her. And she, as being a celebrity also, she never used to show off or... The fact is, I didn't even know that she is a celebrity when I met her. I thought she is a normal girl. When I googled her name, only then I got to know she is an actor. So there was an instance. We were just passing by on the first time. And she said, stop the car immediately. I stopped the car and she got down. On the side of the road, there was a small girl who was taking slipper and eating it. She's a small one, she didn't know. She was taking slipper and keeping it in her mouth. So she went there and took it out from her mouth and put it for her feet. That was the moment I knew that there is something deeper down. I need to, you know, dig well. That's when I got more curious or interested on her. And that was the starting of the journey. And the journey is still continuing. We have completed almost 3 years, like, we are about to complete 3 years October mein. Nipar aapko jab Kaushik se mile to kya tha inme khas, matlab what attracted you to Kaushik? Jab main first time mili, he was very sweet, very simple aur very calm. To Kaushik ko milke hi matlab mujhe aise first time mein aisa laga ki ye mujhe bahut khush rakhne wala hai. He's a genuinely very nice guy. देन स्लोली स्लोली जब कौशिक का नेचर पता चला तो जो मेरी इंट्यूशंस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. सो आई पर्सनली बिलीव मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे फील हो जाता है पहले ही. तो कौशिक के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम एंड हिज फैमिली. एक्चुअली वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव हर बिकॉज हैविंग अ मेंबर एट होम, इट्स लाइक ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर एंड मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर फॉर द नेक्स्ट
generation, and she is actually taking us all to the next level. We have more of family time. We go often out, and there are so many things she is doing, which is very, very heartwarming. What you have and you don't have, वो आपकी लाइफ में एक सेकेंडरी पार्ट आता है. सबसे पहले मेरा मानना है कि इंसान का नेचर देखा जाता है, कि इंसान का नेचर कैसा है, वो आपको खुश रखेगा नहीं रखेगा. सो आई वॉज 100% श्योर आई विल बी, मेरा फ्यूचर सिक्योर है 100%. आई वॉज श्योर. Yes. Totally different. Yes. For me, it was a cakewalk, sir. Because as I told you, all my friends, as I'm in Bangalore still, all of my friends are North Indians. And for me, I could understand and relate their culture very well. And as my parents are also having a love marriage, so they were very supportive, and they just asked me a few questions like, are you really, you know, have you thought about it, and are you willing to take this decision? I said yes. Then they were like, go ahead, I'm there for you, go ahead, anything, we are there for you. I still remember maine apne papa ko Kaushik ki picture send ki thi, so he just messaged me back, nice, and you just call his parents, we would love to meet. Then papa, amma, Sudhamshu, they all came to Mumbai. Ye jab Mumbai aaye, meri family se mile, aur first meeting mein hi roka ho gaya tha. So it was not like ki plan tha ki roka karna hai. Wo log bhi first time mujhe dekhne aaye, mere parents bhi Kaushik ko first time mile. So now my mother loves Kaushik more than me. Such mein meri maa, it's the other way around. Yeah. My mother loves Lovey. Yeah. So my amma, she loves me more than Kaushik. So my mother loves Kaushik more than me. आपकी शादी का आपने दो तरीके से शादी की, पहले एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल की शादी हुई, फिर हाल ही में साउथ इंडियन स्टाइल. तो ये क्या था, डबल वेडिंग क्यों हुई कौशिक? ये दोनों चीज़ों का, दोनों शादियों का क्रेडिट दोनों मदर्स को जाता है. मेरी मदर को था कि गुरुद्वारे में शादी होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे आपको पता है कि मैं पंजाबी हूँ और कौशिक साउथ इंडियन है. तो अम्मा का मोर देन माई मदर, मेरी अम्मा का ड्रीम था लाइक फ्रॉम लास्ट 20 years 15 years, शी वॉज ड्रीमिंग कि मैं कौशिक की शादी में ये करूँगी वो करूँगी ऐसा करना है. तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, और आई वुड लव टू गिव द 100% क्रेडिट, नॉट 100 बट 90% क्रेडिट ऑफ साउथ इंडियन वेडिंग टू माई अम्मा, एंड 10% हमारे बॉस को. फाइनेंशियली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, एंड ही वॉज एवरीवेयर विद अम्मा. सो बाकी 90% शी हैज डन लाइक बहुत डिटेलिंग में, और इन्होंने सब कुछ किया है. लवी की साड़ी क्या होगी, कौशिक का आउटफिट क्या होगा, हु इज़ द बेस्ट डिज़ाइनर, एंड वेन द मिनट आई टोल्ड आई वॉन्ट अबू जानी, ऐसे आ गया घर में, मुझे ये चाहिए. मतलब दोनों तरह से तरीके से चीज़ें हुई. उनका मन था कि कुछ गोल्ड वर्क में, 24 कैरेट गोल्ड का कुछ वर्क में मैं साड़ी पहनूँ, उनकी बहू पहने, एंड शी लव्स गोल्ड लाइक एनी थिंग, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी. तो उन्होंने जो जो सोच के रखा था, एंड मैंने एक बार भी उनको बोला नहीं कि 4 महीने से ये हमारे घर पे शादी की तैयारियां चल रही थी, तो मैंने अम्मा को एक बार भी नहीं बोला कि मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ, साड़ी का कलर क्या है, ज्वेलरी कैसी है. तो सब कुछ उन पर ही था, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो 100% टू हर, 100 out of 100. Sir, more than me, my parents are very supportive about her, because she's an adult and she completely knows what she is doing, and I'm very sure that she will do anything and everything which will be bringing all respects and credits to our family. So we are very supportive for her.
Still, wherever she goes, whatever she wants to do, we are very supportive. Lovey के हाथों के चूड़े अभी उतरे नहीं हैं और Lovey और कौशिक का हनीमून भी अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मिलते हैं Lovey की सासू माँ से। भाई सास बहु का रिश्ता शादी के बाद बहुत ही अहम हो जाता है, तो देखते हैं कैसी है Lovey की सासू माँ। मैं अभी आपको अपनी मदर इन लॉ से मिलाऊंगी। अम्मा, साउथ में मदर को अम्मा कहते हैं और टेलीविजन में जैसा दिखाया जाता है टिपिकल सास बहू, सास रूल करती है बहू पर एंड बहू इज़ वर्किंग ऑल द टाइम, यू वोंट बिलीव दैट। इन 4 months मैंने ग्लास कभी उठा के भी नहीं रखा है किचन में, आई डोंट वर्क एट ऑल। और अगर कभी काम भी करना पड़ता है तो इट्स लाइक अ सेम जैसे आप अपने घर में काम करते हो वैसे ही। और मेरी मदर इन लॉ इस फैमिली में सबसे ज़्यादा चिल आउट अगर कोई है, शी इज़ दी वन। If I go somewhere with them for restaurant, for if we are going for dinner, for lunch, so sometimes I think कि मैं ये पहनूँ नहीं पहनूँ, पापा साथ में होते हैं अगर फुल फैमिली जाती है, then she is like कहीं जाती है किसी को देखती हैं अगर किसी दूसरी लड़की को, she says always कि उसको देखो वो skirt पहनकर आई है, shorts पहनकर घूम रही है, why don't you wear, it's your age, you should try everything. So in other senses also she is very chill out, so I'm blessed to have her. मेरी मदर इन लॉ को हिंदी थोड़ी कम आती है और वो ज़्यादा कन्नड़ा में बात करती है, मैं बहुत स्लो हिंदी में बात करती हूँ उनसे। जैसे कि मेरे फैंस को पता है और आपको भी पता है अमित सर, मैं बहुत ही फास्ट बोलती हूँ। तो व्हेन आई टॉक टू माय मदर इन लॉ, मैं स्पेशली माइंड में ये बात रख के आई ऑलवेज टॉक वेरी स्लो, तो हम एक दूसरे की बात समझ सके। शी गॉट इमोशनल, शी इज़ क्राइंग। माय मदर इन लॉ, She loves girls like anything. उनको लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। जब when she was pregnant, वो चाहती थी कि उनको बेटी हो, then कौशिक हुआ। अच्छी बात है कि अम्मा की कौशिक हुआ, नहीं तो आज मैं आपके साथ नहीं होती। तो then कौशिक के बाद जब सुधांशु हुआ, sorry to say सुधांशु, but she was somewhere very upset कि वापस बेटा हो गया, क्योंकि साउथ में नॉर्थ से कहीं गुना ज़्यादा लड़कियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, एंड दे थिंक कि हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है और घर की लक्ष्मी है। तो मुझे मतलब दे रियली ट्रीट मी लाइक अ लक्ष्मी। तो मैं मतलब उनके घर में एक बेटी की कमी थी, वो पूरी हो गई अब मेरे आने के बाद। तो अम्मा इसलिए हम सोचता हमारा बेटी जैसा देखता इतना ही बहुत बोलने का, नो प्रॉब्लम। कोई पंजाबी हो गए तो क्या, इट्स लाइक पापा इज लाइक ही ऑलवेज पुश अस गो गो एंड डांस, तो हम सब स्टाइल में डांस करते हैं। इट्स नॉट लाइक ओनली पंजाबी भांगड़ा, हम साउथ के सॉन्ग्स में एंड वी एंजॉय बोथ द कल्चर। पंजाबी का कुछ नहीं सीखा अभी तक, इसको कन्नड़ा सीखना पहले, बाद में दूसरा। मैं सीख रही हूँ सल्पा सल्पा, लाइक फ्यू वर्ड्स मैं सीख चुकी हूँ और आगे भी लाइक मुझे अर्ज है कि आई विल लर्न मोर, सो इट विल टेक सम टाइम बट आई विल। अब बारी है मिलने की Lovey के ससुर जी से। भाई अपने ससुराल में ससुर एकदम पिता की तरह होता है, तो कैसा है Lovey और उनके ससुर का रिश्ता, आइए जानते हैं। अभी आप मिलने जा रहे हैं मेरे पापा से और कौशिक के पापा से और हमारे घर के बॉस से। मुझे बहू नहीं है, ये बेटी होता है, ये अभी सब कुछ सारे बता दिया है मेरा बेटी ने, मैं बेटी ही कहता हूँ। और मैं और मेरा वाइफ का तो बेटी गर्ल बेटी बहुत ही पसंद है, हमारा को दो भी बेटा है, इसीलिए अभी हमारा Lovey को हमें बेटी ही समझता हूँ, बेटी ही बोलता हूँ, इसी सबसे उसको अच्छा ज़्यादा ये देता हूँ उसको। अभी ये इन्होंने बताया, ये तो न्यू करके कुछ नहीं है, ये हमारा बेटी हो गया, अभी नया मेंबर बेटी घर पे आ गया, ये लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी होता है। पहले एंगेजमेंट हुआ ना, एंगेजमेंट होने का पहले अभी रिश्ते होने का समय पे अभी जो कौशिक बताया था, जब से हमारा घर पे ये Lovey का सीरियल चलते रहता था वो चैनल चेंज भी नहीं करता है।
अब बारी है मिलने की उस शख्स से जो लवी का बेस्ट फ्रेंड बन गया है और वो कोई और नहीं बल्कि उनका देवर सुतांशु है और देवर के रूप में लवी को एक बड़ी मिल गया है। एक्चुअली शी टेक्स केयर ऑफ मी लाइक बहुत कभी कभी पे मम्मा भी नहीं पूछती है कि खाना खाया कि नहीं समटाइम्स शी फॉरगेट्स सो शी एवरी टाइम टेक्स केयर ऑफ मी एस्क्स इन एवरी मील व्हाट यू वांट व्हाट इज योर नीड Everything she takes care of me. See, best part ये है कि सुधांशु मुझसे 10 साल छोटा है I guess 10 years और कौशिक से more than 12-13 years छोटा है तो सुधांशु is like कहीं ना कहीं मेरी height से थोड़ा बड़ा है but it's like a brother and more than brother he's like a friend to me. If he doesn't want to share something with his father, with his mother, he comes and he shares every single thing with me. Aaj bhabhi ye hua, ye nahi hua. So somewhere I give my opinion, my suggestions to him. Ki ye sahi hai, ye galat hai, aise mat karo Sudhamshu. So hamara jo bond hai, I wish wo hamesha waisa hi rehna chahiye. After when Sudhamshu ki biwi aaye, tab bhi wo waisa hi rehna chahiye. Aur sabse best part ye hai ki Sudhamshu छोटा है हम मुझसे और कौशिक से तो हम जहाँ भी जाते हैं सुधांशु को साथ में लेके जाते हैं अगर ये सेम एज ग्रुप का होता कौशिक जितना होता तो समवेयर मैं हेजिटेट होती और मैं भी सोचती कैसे पूछूं अगर मुझसे मेरा जेठ होता या इक्वल एज के दोनों होते तो हम दोनों का रिलेशन इज़ लाइक अ वेरी फ्रेंडली सो वी गो हैंग आउट टुगेदर इफ कौशिक इज़ बिजी समवेयर इन ऑफिस समवेयर विथ हिज मीटिंग्स सो मी एंड सुधांशु वी हैंग आउट अलॉट। लवी ने अपने दक्षिण भारतीय ससुराल में इतने नॉर्थ इंडियन तड़का डाल दिया है भाई सुबह सुबह उठकर वो गुरु नानक जी की अरदास करती हैं। और हाँ उसके बाद का समय अपने पति के साथ बिताती हैं। वैसे शादी के बाद लवी सीरियल्स में दुनिया में काम करती रहेंगी और जल्द ही वो फैशन डिजाइनिंग के लिए पेरिस भी जा रही हैं। I think she'll be going to Paris very soon for her fashion designing. And where else are you going? 9 साल तक मैंने काम किया more than 9 years. तो देखा आपने लवी का ससुराल गेंदा फूल इस सीरियल्स की अभिनेत्री का ये अनोखा शादी के बाद लवी सासन और उनके पति और उनके परिवार का पहला इंटरव्यू सिर्फ आपने देखा सास बहू और बेटियां में। साथियां में आप लोगों ने हमेशा आकर परिधि को इतना प्यार दिया है और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम एक्टर्स जो भी करते हैं सेट पर पर्सनल लाइफ ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सब कुछ आप कवर करते हो और आप कवर करने के बाद ही आपके थ्रू ही फैंस हमें देखते हैं सो मैं बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रिया करना चाहूँगी सास बहू और बेटियों का कि अगेन आई विल से मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी सास बहू और बेटियों का कि आपने फिर से परिधि को लवी को उसके फैन से मिलवा दिया शादी के बाद भी अगर मेरे फैंस मुझे अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे शादी के बाद भी वो भी सास बहू और बेटियों पर सो प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग सास बहू और बेटियाँ 2:30 बजे सिर्फ आज तक पर इंटरव्यू हुआ था आज तक पर देन मेरी जितनी भी मेजर और मेन स्टोरीज हुई है इट्स ऑलवेज विद आज तक देन अब शादी के बाद जो मेरा फर्स्ट लुक देखेंगे मेरा घर देखेंगे सब फैंस वो भी आज तक पर ही So thank you so much for having me in your show and having my family. Thank you so much. उम्मीद करते हैं कि शादी के बाद भी लवी इसी तरह एक्टिंग की दुनिया में बने रहे और अपने फैमिली और करियर को बैलेंस करे। आज तक ब्यूरो